प्रकट नहीं थी अथवा बन्ने प्रकट नहीं थी एवी स्थिति में आ बन्ने ने प्रकट करवा माटे प्रभु में निश्चल स्नेह ने प्रकट करवा माटे अने प्रभु नो असाधारण महात्म्य जाणवा माटे तमारे शू करवू जोईए तो एना पहला महाप्रभु जी कहे छे के पहले तमे तमारी जात ने पिछाणो कि जगत में तमे केवी रीते जीवी रहा छो व्यावृत थईने जीवी रहा छो कि अव्यावृत थईने जीवी रहा छो एटले भगवत भक्ति माटे तमे समय फाळवी शको छो तमारु मन फाळवी शको छो अविक्षिप्त मन हाँ सशक्त मन अने विक्षेपाद अथवा शक्त्या अप्रतिबद्ध मन प्रतिबंधाद अपि क्वचित अने आग्रह रहित एटले भक्त्याग्रह रहित मन भक्त्याग्रह सहित मन अने बीजा ने पीड़ादायक न थाय तेवो मन तमे फाळवी शको एवो तमे मन तमे फाळवी शको छो के नथी फाळवी शकता एवो तन तमे फाळवी शको छो भक्ति माटे के नथी फाळवी शकता एवो धन अने ग्रह तमे फाळवी शको छो के नथी फाळवी शकता जो फाळवी शकता हो तमे अव्यावृत छो अने जो न फाळी शकता हो तो तमे व्यावृत छो तेथी अव्यावृत्तो भजे कृष्णम जो तमे अव्यावृत्त हो एटले एवो समय एवो तन एवो धन एवो परिवारजन एवो मन तमे फाळवी शकता हो तो ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजे कृष्णम पूजा अने श्रवण करो पूजा करशो तेथी तमने महात्म्यनु ज्ञान जशे जागशे अने श्रवण आदि वगैरे करशो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम ए प्रक्रिया ने अपनावशो धीरे धीरे तमारा माथा उपर बिराजेला ठाकुर जी ने साथे ए जातनो संबंध बांधशो तमने खबर ज नहीं पड़े कि आ बधी क्रियाओ हलवे हलवे रहीने क्यारे तमारा हृदय में भक्ति ना भाव रूपे सुदृढ़ थई गई तो ए अव्यावृत अधिकारी ने कहेवामां आवे उपदेश छे पण केटलाक अधिकारीओ व्यावृत पण होय छे ए एमनी लाचारी होय छे के एमनी पासे समय नथी होतो समय होय छे के एमनी पासे तेवी जातनो तन नथी होतो एवी जातनो तन होय छे तो एवी जातना परिवारजन नथी होता एवी जातना परिवारजन होय छे तो एमनी पासे एवी जातनो धन नथी होतो एवा जातना धन पण होय तो एवी जातनुं घर नथी होतुं एटले ए कोईपण संजोगोमां ज्यारे तमे व्यावृत छो त्यारे महाप्रभुजी कहे छे के खोटी सेवानी धांधल नहीं करता जो तमे व्यावृत हो तो व्यावृत्तो की हरव चित्तम शवणादौ न्यते सदा त्यारे तमारे सेवा करवानी खोटी धांधल नहीं करवी सेवा करवानी खोटी धांधल नहीं करवी एटले खाली फोकट प्रसाद खावानो शौक नहीं राखवानो तमे अप्रसादी पण खाईने केवल भगवत श्रवण परायण श्रवण कीर्तन स्मरायण स्मरण परायण थाओ अने श्रवण कीर्तन स्मरण परायण थईने भगवत कथानो पक्ष अपनाओ भगवत कथानु श्रवण करो भगवत कथानु स्मरण करो भगवत कथानु कीर्तन करो केम के तमे प्रभु ने पधरावा लायक तमारा माथी आ जे बधा फेक्टर छे सेवा उपयोगी ए तमे फाळवी नथी शकता तमे व्यावृत छो तेथी के छे श्रवणादौ न्यते सद व्यावृत्तो भी हरव चित्तम श्रवणादौ न्यते सदा वांधो नहीं तमारा घर में ठाकुरजी नहीं पधराव पण हरी मां तमे तमारा चित्त ने पधराव जो घर में तमे तमारा ठाकुर जी ने न पधरावी सकता हो तो तमारा चित्त ने ठाकुर जी में पधरावी दो सौथी उत्तम वस्तु छे के तमारा घर में ठाकुर जी ने पधराव पण ए जो न पधरावी सकता हो तो तमारा चित्त ने ठाकुर जी में पधरावी दो हरि मां केवी रीते पधरावशो कथा श्रवण कथा मनन कथा कीर्तन नाम स्मरण ए बधी प्रक्रिया थी तमारा चित्त ने ठाकुर जी में हरि मां पधराव अने तपस प्रेम तेनाथी तम प्रेम थशे तेनाथी तमने प्रभु प्रत्ये आसक्ति थशे तेनाथी तमने प्रभु ने एवो व्यसन जागशे अने ए व्यसन जागशे एटले कई जातनो के तमनारो स्नेह ने कारणे तमने आ जगतना जे विषयो छे जे तमने बहु चकमक करी रह्या था ए तमने सारा लागता बंद थई जशे प्रभुना प्रेम ने कारणे अने ए ज्यारे तमने आसक्ति थशे त्यारे तमने एम लागशे के आ घर शू कामनो तेथी ज महाप्रभु ज्यादा करे छे गृहस्थ के उत्कृष्टत्वम न भगवदीयत्व मात्रेण किंतु भगवता सहस्थित्या भगवत कार्यार्थम वा अन्यथा न स्थातव्य ग्रह स्थिति में रहू एटला माटे उत्तम नहीं कि तमे थई गया पण घर में जो रहू हो तो एटला माटे रहू जोईए कि तमे भगवत सेवा करी शको छो आ घर में श्री गोसाई जी की वार्ता में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कई ठाकुर जी ने सेवा में परिश्रम थयो एटले गोसाई जी ने वैराग्य आवी गयो गोसाईजी ने वैराग्य आयो एटले गिरधरजी ने आज्ञा करी कि आजे मारा कपड़ा भगवा रंगावी दो मारे ग्रह त्याग करवो छे एटले पछी तो गिरधरजीए तो आज्ञा प्रमाणे कपड़ा भगवा रंगावी दीधा पछी नवनीत प्रियाजीए पूछ्यु भाई शुं थयुं
बोले आपने कहीं परिश्रम पड़ी गये तो सेवा में तेथी काकाजी एम विचार करे थे कि घर में रहवा एवं शो लाभ कि जेना कारण प्रभु ने परिश्रम पड़े तेथी संन्यास ले रहा है ये एमना भगवा कपड़ा सूचवी रहा है। एटले नवनीत प्रियाजी कहू तो वालू एक काम करजो अमारी कन्या पण भगवा में रंगने सुखावी देजो केम के ग्रह नो स्वामी जेने सुख आपवा माटे घर में रहा होइए एने कदाच असुख पण कंईक थयु होय तेथी ग्रह ने त्यागवानो के असुख ने न थाय एवी काळजी लेवानी। जो ग्रह त्यागी देवानो होय तो पछी ग्रह ने स्वामी मळे छो क्यांथी मळे। એટલે ઘણી વખતે મને એક પંચાયત ગંગારામને સમજ નથી આવતી કે ઘણા લોકો વૃદ્ધયાત્રા કરવા જાય અને વૃદ્ધયાત્રા કરવા જાય ઠાકુરજીને મૂકી જાય ક્યાંક પણ અને પછી આપણે પૂછીએ શું થયું બોલે ઠાકુરજીને ત્યાં વૃદ્ધમાં લઈને ક્યાં જઈએ હવે અમે યાત્રા કરીએ કે ઠાકુરજીને સેવા કરીએ। એટલે પછી શોધવા કોને જાવ છો ત્યાં જેને શોધવાનું છે એને તો ઘરમાં મૂકીને આવ્યા। પછી ગંગારામને એમ લાગે કે પાણી બીજ મીન પિયાજી મને ચૂંટણી આવ્યા હાથે ઈ ગંગારામ થી સમજ ના આવે આવો ભાવ પછી ગંગારામને જાગી જતો હોય છે। એટલે જેને શોધવા જઈ રહ્યા છે જેને પરિશ્રમ થયાનું આપણને દુઃખ થયું છે તેમને તો આપણે છોડીને જઈ રહ્યા છીએ અને પછી કહે છે કે તમને પરિશ્રમ થયો તેથી તમને છોડી દઈએ છીએ। હવે તો મને કંઈક પરિશ્રમ થાય એક તો પરિશ્રમ આપ્યો અને પાછો છોડી હોત જાઓ તો નવની પ્રિયાજી કહ્યું વાંધો નહીં ત્યારે મારી કન્યા સુખાવ હું પણ આ ઘર છોડીને જાઉં। એટલે ગીતાઈજીએ જયારે જોયું કે પોતાના વસ્ત્ર સાથે કન્યા પણ ભગવા રંગમાં રંગાયેલો હતો એટલે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે ના ના એવું તો કાંઈ હોય ગ્રહનો સ્વામી ઘરને છોડે એ કેમ પહોંચાય એ જાહેર મંદિરમાં બિરાજે ન જ પહોંચાય એ પરાર્થ થાય કે ન જ પહોંચાય। એટલે ગુસાઈજીએ સિદ્ધાંત વાળી દીધો આવો વિચાર વાળી દીધો કે હવે સંન્યાસ નથી લેવો ભક્તિ જ કરવી છે ભક્તિ જ કરવી છે ભક્તિ જ કરવી છે ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતા અવ્યાવૃત્તો ભજે કૃષ્ણમ પૂજે આ શ્રવણાદિભી। પણ દરેકને એ વસ્તુ દરેકને સબળ ઉપલબ્ધ નથી હોતી તેથી આ અત્યાચરણ આજ્ઞા કરે છે કે જેને ઉપલબ્ધ નથી હોતી તેને ભગવતા સહસ્થિત્યા ભગવત કાર્યાર્થમ વા અન્યથા ન સ્થાતવ્યમ તેને ગ્રહ છોડવા ગ્રહમાં અરુચિ થશે ગ્રહસ્થાના બાધકત્વ અનાત્મત્વ કે ભાષે। એક વખતે તમારી તમને પ્રાતકાલની સંધ્યા કરવાની જો ભાવ હોય કે સૂર્ય ઉગે ત્યારે આપણે એને અર્ઘ આપવો છે ઉગતા સૂરજને અર્ઘ આપવો છે એવો જો તમને ભાવ હોય અને તમારી 3 વાગે કે 2 વાગે ઊંઘ ઉડી ગઈ હોય પછી તમને પ્રતીક્ષા કરવી પડતી હોય ને કે હવે ક્યારે સૂરજ ઉગે ક્યારે સૂરજ ઉગે એ ઘડીનો કોઈક વખતે વિચાર કરો તો તમને ખબર પડશે કે તાપ શું છે પ્રતીક્ષાનો આનંદ શું છે પ્રતીક્ષાને આપણે કેવી હોવી જોઈએ એ ઊંઘ ઉડતી જ ન હોય ને સૂરજ ઉગી જાય પહેલાથી અને પછી આપણે અંગડાઈ લેતા ઉઠીએ ને ગાચા વાળું ઉગ્યા છો તમે જયો અર્ઘ બેચાર લઈ જાઓ ત્યારે ઉગી ગયા તો હવે ઈ અર્ઘની જુદી કથા છે। પણ જયારે તમે સુરતને ઉગવાની પ્રતીક્ષા કરતા હો ને એમાં પ્રતીક્ષામાં તમારી ઊંઘ પહેલા ઉડી ગઈ હોય કોઈ તમારે ઘેર મહેમાન આવવાનું હોય સવારે પરોળીએ અને એના આવવાની પ્રતીક્ષામાં તમારી ઊંઘ પહેલા ઉડી ગઈ હોય પછી કઈ આવતો ન હોય ને તમારે કાઉન્ટ કરવા પડતા હોય કે હવે 1/4 કલાક બાકી છે હવે 1/2 કલાક બાકી છે હવે 5 કલાક બાકી છે હવે 7 મિનિટ બાકી છે એક એક મિનિટ તમારે ભારી પડી જતી હોય છે પ્રતીક્ષાની ઘડીઓ એવી હોય છે અને પ્રતીક્ષા રહીત આપણો આખું જીવન વ્યતીત થઈ જતું હોય છે આપણે કૃષ્ણની પ્રતીક્ષા નથી કરી રહ્યા 100-100 વર્ષો વીતી જતા હોય છે પણ 5 મિનિટની જો કૃષ્ણ પ્રતીક્ષા તમારામાં જાગશે ને તો પછી તમને એમ ભાવ જાગશે કે આ સત્યાત્યા ગ્રહારૂચિ કૃષ્ણ આવી નથી રહ્યો આ ઘરમાં આ ઘરમાં ક્યાં સુધી કૃષ્ણની પ્રતીક્ષા કરવી યદાત્યા વ્યસનં કૃષ્ણે તે વખતે તમારી આસક્તિ કૃષ્ણના વ્યસનનો રૂપ લઈ લેશે અને મહાપ્રભુજી કહે છે યદાત્યા વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થત્યા તદૈવહી તે વખતે તમને માનસી સિદ્ધ થઈ છે આ પ્રતીક્ષાની ઘડીઓમાં જેની આપણે પ્રતીક્ષા કરતા હોઈએ ને એવું થાય છે કે હવાનો વાયરો પણ આવે ને તો આપણને લાગે કે આવ્યો 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 એનું નામ માનસી કોઈ ભૂલથી પેલો ચામાચીડિયા બારણાને ભટકાણી હોય ને તો આપણને લાગે કે લે ત્યારે ખોલીને જોઈ તો લે આવી તો ન ગયો કે પ્રતીક્ષાની ઘડીઓમાં આવી માનસી સિદ્ધ થઈ જતી હોય છે તેથી આચાર્ય ચરણ કે છે યદાત્યા વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થત્યા તદૈવહી તાદૃશસ્યાપિ સતતમ જીવસ્થાનમ વિનાશકમ વ્યસન સિદ્ધ થઈ ગયો
पता है घर में रहू बहु जरूरी नहीं, केम के घर में कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है कि जेथी तमे घर में रही जाओ। गृहस्थिते उत्कृष्टत्व न भगवदीयत्व मात्र न भव थया, तेथी घर में रहू ए कोई सारी बात नहीं। भगवता सह स्थित्या, भगवान नी साथे रही रहा छो के नहीं, कहीं भगवान ना कार्य करवा माटे रही रहा छो तो रो लाइसेंस आपे जे महाप्रभु जी घर में रहवानो, नहीं तो ग्रहण सर्वात्मनात्याज्यम सच्चे त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थे तत् प्रयुंजीत कृष्ण संसार अमोचक, एट्ले तादृशत्यापी सततम गेहस्थानम विनाशकम। के स्थिति में महाप्रभु जी आगे कहे छे के घर छोड़ी दो, एवं घर में रहवानो शोध आप के जेमा तमे कृष्ण ने वसावी न सकता हो, पण ए बधी धांधल तत्काल में नहीं करवानी, व्यसन सिद्ध थाय तो करवानी छे। त्यारे महाप्रभु जी आज्ञा कहते कि त्यागं कृत्वा यते यस्तु तदर्थार्थैक मानस लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां परां। तमे कृष्ण विरही थई गया, कृष्ण विरही थई गया, कृष्ण विरह ना कारणे तमने जारे तमे कृष्ण ने शोधवा जशो त्यारे जे विरह नी जे भक्ति छे तेनु महाप्रभु जी कहते कि तमने दान थशे। पण जो ए दान कर्या पछी मोटा भागना केटला सभ्यो घर छोड़ीने व्रज में जईने वसे, व्रज में जईने वसे त्यां पछी व्याजनो धंधो करे, व्याजनो धंधो करे एटले व्रजवासीओने ऊंची ना आपे, अने ऊंची ना आपीने पछी व्याज ले, अने व्रजवासीओ पेलू भांग घोटीने पी जाए एनू, एटले पछी उछाने चूकवी न शके, अने पछी पकाजो करे, अने परिणामे पछी व्रजवासीओ कोई दिवसे एमने गला घोटीने मारी नाखे, कुंडमां डुबाडीने मारी नाखे। पछी आपणे कहीए के व्रजवासीओ बहु धूर्त थई गया छे, जे भगवाने असुरो नहीं मार्या ते बाकी बची गया ते व्रज में रही गया, पण तमे यार उचीना आपवानो धंधो करवा त्यां व्रज में गया, त्यागं कृत्वा यते यस्तु तदर्थार्थैक मानस के व्याजार्थैक मानस। आवा बधा सभोना धंधाओ पण बहु मोटा मोटा चालता होय छे व्रज में त्याग करेला, एटले ए वात पण पाछी कोईक वखते शांत चित्तथी विचारवानी होय छे के घर त्याग करवो होय तो तदर्थार्थैक मानस थईने त्याग करवो जोईए, व्याजार्थैक मानस थईने त्याग न करवो जोईए। अने तदर्थार्थैक मानस करशो तो वांधो नहीं आवे, पण जो महाप्रभुजी ने हजी गमतुं नथी, महाप्रभुजी नो अभिगम केवो छे ए विचारो के त्यागे बाधक भूयत्व, केम के त्याग में घणी बधी बाधाओ रहेली छे। ज्ञान मार्गीओ ना त्याग में महाप्रभुजीए बाधा अनुभवी, भक्ति मार्ग ना त्याग में पण महाप्रभुजी बाधा अनुभवी रहा छे के त्यागे बाधक भूयत्वम। शा माटे के मैं कथा लखी हती तमने क्यांक मले तो वांच्यो, स्वामी कृष्ण प्रेमानंदनी आत्मकथा। ई स्वामी कृष्ण प्रेमानंद ने एमना गुरुजीए उपदेश आप्यो के तमे कृष्ण प्रेमनी अनुभूति करो। कृष्ण प्रेमनी अनुभूति करवा माटे कोई गुजरातना गामडामां जईने वस्या, गुजरातना गामडामां कंई जईने वस्या ने त्यां पहाड हतो ने सरोवर हतो, ते पहाड़ने कहता था कृष्ण प्रेमनी अनुभूति में, त्या गिरिराजी छे ने सरोवरने कहता था त्या चंद्र सरोवर छे, ने जे वनराजी हती एने वृंदावन कहता था, अने कृष्ण प्रेम करता था। उचित तूचू थयुं पछी केम के अहींया खावा माटे तो क्यांक तो जवुं पड़े ने, एटले गाममां भिक्षाटन करवा जाय। कोई कोईक लोकोए आवीने जोयुं के रहे छे क्यां स्वामीजी, एमणे पोतानी कुटिया बांधी राखी थी त्यां रहेता था, एटले ए लोकोए पाछा दर्शन करवा आववानुं शरू कर्युं। दर्शन करवा आववानुं शरू कर्युं एटले धीमे धीमे भक्तो वधवा मांड्या। भक्तो वध्या एटले एमां एक पेला प्रिंसिपल आव्या हरिहरानंदजी, हरिहरानंद ए हरिहर भाई जे आव्या, एमणे आवीने कह्युं के हरिहर भाईए के भाई आ खाली कृष्ण ने करो ने ये तो बहु वाड़ाबंदी कहवाए, हरि अने हर बने ने भजवा जोईए। तो एमने कहू के ले तू मारो शिष्य थई जाने, आपणे आ आश्रम में कृष्ण प्रेमना ठेकाणे हवे हरिहरानंद भक्ति शुरू करीशुं। के कृष्ण प्रेमानंद जी पाछू हरिहरानंदना चेला बनावाने कारणे कृष्ण प्रेम तो रह्या नहीं अने ब्रह्मानंद थई गया। त्यार कृष्ण ए तो क्षुद्र कथा छे, आपणे मूल ब्रह्म ने पकड़वो जोईए। केम के कृष्ण कहता तो पेलो कृष्ण तो गोकुलिया छोड़ने गयो तो गोकुल में ज ना आयो तो आपने के रीते उद्धार करशे, एटले ब्रह्म ने पकड़ो। एमणे ब्रह्म ने पकड़ी लीधा थे, कृष्ण स्वामी कृष्ण प्रेमानंद जी ब्रह्मानंद जी थई गया, अने पेलो हरिहर भाई पंचाली जे पंचाली हतो ए हरिहरानंद स्वामी दरस्वती थई गया। हवे पछी भारे भाषण प्रवचन शुरू कर्या बंने, एटले तो गामनी भीड़नो कंई पार ज न रह्यो, प्रवचन करे एटले भीड़ भेगी थाय बधी, एटली बधी भीड़ भेगी थई कि आश्रम मोटो थई गयो। आश्रम मोटो थई गयो ते वारे घड़ी जगह जगह थी एमने आमंत्रणों आवा मांड्या,
आमंत्रणों आवा मंडिया एटले पछी एने एटला बधा आमंत्रण आया कि पछी आ आश्रम में रहे नहीं। ब्रह्मा